सभी भाइयों को राम राम दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपको बता दूं कि मैं बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूं, इसका कारण भी हो सकता है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि मैं पोर्टर आर्मी में भर्ती हो चुका हूं और मुझे टाइम नहीं मिलता वीडियो बनाने के लिए। तो मैं आपको बता दूं इसमें ये IRV भर्ती आने वाली है 2023 में, ठीक है ना। ये नवम्बर दिसंबर तक में आने वाली है, तो अभी तो सितम्बर चल रहा है। तो जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वीडियो मैं क्यों नहीं बना रहा था, देखो यहाँ पर टाइम नहीं मिलता और कहीं सर्वर रहता है कहीं नहीं रहता, तो इसके वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब मैं आपको रोज़ आपको भर्ती के बारे में जानकारी दूँगा, एक वीडियो बना के ज़रूर डालूँगा इसमें। और ये क्योंकि अब मुझे टाइम मिलने लगा है और नाइट में टाइम मिलने लगा है, मैं नाइट में आपको वीडियो बना के अपलोड कर लिया करूँगा और सुबह आपको मैं YouTube में डाल दिया करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि IRV भर्ती आने वाली है 2023 में नवंबर दिसंबर में। ये भर्ती आपको झारखंड में देखने को मिलेगी। ये बहाली 2017 में आई थी और इसके बाद भर्ती नहीं आई है। IRV के बारे में आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे और मैंने भी IRV के बारे में पहली बार सुना। तो इसमें बता दूँ दोस्तों, इसमें बहुत सारे मतलब वैकेंसी आने वाली है, इसमें 17,000 वैकेंसी आने वाली है और इसमें दो बार पेपर होता है, ठीक है ना। इसमें आपको पहली बार एक बार 100 नंबर का जीके का होगा और मैथ का होगा, ठीक है। इसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर दिया गया है इंजीनियर ईयर बटालियन समान आरक्षण प्रतियोगिता परीक्षा 2017, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। ये इंजीनियर ईयर बटालियन है, तो ये बहाली बहुत जल्द आने वाली है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इंजीनियर ईयर बटालियन जनरल कांस्टेबल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2017 IRV, ठीक है ना। ये 2017 वैकेंसी आई थी दोस्तों और ये वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है और इसमें दो बार एग्ज़ाम होगा, आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे। पुरुष के लिए 995 वैकेंसी आई थी और अनुसूचित जनजाति के लिए 183 वैकेंसी, अनुसूचित जनजाति के लिए 484 वैकेंसी आई थी, पिछड़े वर्ग के लिए 100 वैकेंसी आई थी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 161 वैकेंसी आई थी, ठीक है ना। कुल वैकेंसी 1426 वैकेंसी आई थी, यहाँ पर देख पा रहे होंगे 1426 वैकेंसी आई थी। और ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 240 वैकेंसी आई थी, यहाँ पर दिया गया, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग तैयार रहिए, ये वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है नवंबर दिसंबर तक में और मैं आपको टाइम लगा के A to Z वीडियो बना के अपलोड करूँगा। और अभी मैं आपको कुछ हल्का टिप्स बताने के लिए मैं वीडियो बना दिया हूँ आज। तो यहाँ पर आपको मैं थोड़ा नॉर्मली मतलब वीडियो बना के दिया हूँ, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। समान आरक्षी इंडियन रिजर्व बटालियन, ये वैकेंसी मतलब आने वाली है, आप देख पा रहे होंगे अच्छी खासी सैलरी है इसमें। सैलरी के बारे में आप परेशान न होइए, ये परमानेंट वैकेंसी है और ये वैकेंसी आपको 22 से 25 साल तक आप इस आर्मी में रह सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें देखो हाइट के बारे में बता दूं, इसमें हाइट तो बहुत ही कम मांगी जाती है, न्यूनतम 160 सेंटीमीटर मांगी जाती है और सीना 81 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें आपका जनरल वाइज, जैसे आप जनरल से हो, OBC से हैं, अनुसूचित जनजाति से हैं, इसमें आपको उसी हिसाब से आपको हाइट में और चेस्ट में छूट देखने को मिलेगा, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। एज के बारे में 18 से 25 आपकी एज होनी चाहिए। इसमें महिला भी आवेदन कर सकती हैं और पुरुष भी, इसमें दोनों के लिए हैं। ये मैं आपको लिंक अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा, मैं इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है ना दोस्तों। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे
मेरे को टाइम नहीं मिलता, बहुत जल्द अभी थोड़ा जाना पड़ेगा। तो जैसे कि दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं आपको फिर एक वीडियो बना के डालूँगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें फिजिकल क्या होगा, कैसी मेरिट उठेगी, इसके बारे में सारी जानकारी मैं बताऊँगा। अब मैं वीडियो बनाना चालू कर दिया हूँ, आप लोग परेशान न होइए, ठीक है ना। अब मैं आपको जानकारी बताता रहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये वैकेंसी 2017 में आई थी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।